पीएर फाइल्स में आज देखिए महाश्राप का आतंक। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस घर में मृत्यु हो जाती है वहां अगले एक साल तक कोई त्योहार या शादी की रस्म नहीं की जा सकती, पर कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमको कुछ रीति रिवाज को नजरअंदाज करना पड़ जाता है। ऐसी ही अनहोनी हुई शांतनु और रूही के साथ। इनके हंसते खेलते संसार को जाने किसी की नजर लग गई थी। क्या इन पर कोई श्राप था या बस अंधविश्वास? जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। शादी के लिए हम सब कितने एक्साइटेड होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से अच्छे सपने देखते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं और वही भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। शांतनु पता है क्या, दादी माँ के साथ में बहुत मस्ती किया करती थी और वो हमारा एक गोला खाना जाया करते थे, क्या नाम था उसका, काला खट्टा गोला। क्या दिन थे ना वो भी। तुम्हारे साथ वो खुद भी बच्ची बन जाया करती थी। कोर्स पापा, मैं उनकी फेवरेट पोती थी। पता है क्या, वो मेरी शादी के लिए शुरू से एक्साइटेड थी और अब देखो उनकी तबीयत इतनी खराब है कि तुम चिंता मत करो, देखना तुम्हें देखकर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी शादी की खबर सुनकर वो सबसे ज्यादा खुश होंगी। पापा चाहे कुछ भी हो, चाहे शादी में मुझे मेरी सेविंग्स यूज क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं शादी दादी के सामने ही करूंगी। शांतनु क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि हम बस पहुंचने वाले हैं, चिंता मत करो रूही, सब ठीक होगा। शांतनु जल्दी आओ, जल्दी उठो, तुमको दादी माँ से मिलवाती हूँ, आओ 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 जल्दी आओ। दादी माँ, दादी माँ। नमस्ते रवि भैया। शांतनु आओ जल्दी। दादी माँ, दादी माँ। पता है शांतनु, यहाँ हम बहुत खेला करते थे, वो खोना वहाँ पे हम छुपन छुपैया खेला करते थे, तुम मिलवाती हो आओ। चाचू नमस्ते, ये शांतनु है। चाचा जी नमस्ते। दादी माँ कहाँ है, मुझे मिलवाना था शांतनु को। दादी अब नहीं रही बेटा, कुछ ही देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली है। जब हमें दादी की डेथ का पता चला हम सब छोड़कर उसी में लग गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने आने में बहुत लेट कर दी बेटा, तेरी दादी कल से तेरे बारे में बार बार पूछ रही थी कि रूही कब आएगी, रूही कब आएगी। तेरी शादी देखने की उनकी बहुत इच्छा थी बेटा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दादी सॉरी दादी, आने में लेट हो गई दादी, आप मुझे छोड़ के चले गए। मत रो बेटा, होनी को कौन टाल सकता है बेटा, समय पूरा हो गया था दादी माँ, चल पापा आ गए। शोभा इस शादी को कुछ दिनों के लिए टालना होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शुभ कार्य करना उचित रहेगा। लेकिन आप ही माँ, मैं शादी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकती। पर बेटा रोहित, आई नो तुम्हारे लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हारी और मेरी शादी अभी नहीं हुई तो तुम्हारा मेरे साथ यूएस आना बहुत मुश्किल हो सकता है। शांतनु रोहित, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। रोहित दादी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, वो तुम्हारी शादी को लेके कुछ बहुत बड़ा सोच रही थी, लेकिन आई डोंट थिंक तुम्हें शादी पोस्टपोन करनी चाहिए। हाँ बेटा, एक छोटी सी सेरेमनी कर लेंगे, फिर तुम सादे तरीके से शादी कर लेना जिससे कि दादी की आत्मा को शांति मिले। और तुम इन सब पुरानी बातों पर विश्वास मत कर, और फिर तुम्हारी शादी तो दादी की इच्छा थी ना। देखो सारी पूजा विधि तुम्हारे हाथों से ही होगा, सब
प्रार्थना करो कि दादी की अंतिम इच्छा सुखद रहे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावम्यावन्तरसुचि पुष्पं समर्पयामि मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बेटा, अब दादी की आत्मा को याद करते हुए हवन कुंड में आहुतियां डालना है, तभी ये आत्मा शांति यज्ञ संपन्न होगा। आप पंडित जी, सामग्री मैं अभी लेकर आती हूं। जी, ले आइए। रवि बेटा, तू करता क्या है? हाँ, दिन भर इधर उधर भागता रहता है, अब पूजा के हवन के सामग्री गिर गया, कैसे क्या होगा बता? सॉरी माँ, आप टेंशन मत लो, मैं भी पूजा के लिए सामग्री लेकर आया था। अब आप अंदर जाओ, मैं लेकर आता हूँ। ओम मातृदेवाय नमो नमः, ओम पितृदेवाय नमो नमः। आइए, अब हवन कुंड में आहुतियां डालना है, अब सामग्री लीजिए और आप इनके हाथ को स्पर्श कर दीजिए। देवता वे माता वश्य महायोगी वे जन्म स्वाध्याय स्वाहाय स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः। फिर से आहुति लीजिए। शकुन और अनर्थ है ये, अग्नि बुझना नहीं चाहिए। आप लोग समझ नहीं, भगवान के इशारे को आप लोग समझ नहीं रहे, बहुत घोर अनर्थ है ये। जब तक ये शांति यज्ञ पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी इस घर में शुभ कार्य नहीं हो सकता। अरे राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया, अनर्थ हो गया। नहीं नहीं नहीं, अशुद्ध हो गया, सब अशुद्ध हो गया। अरे कोई अपशकुन नहीं हुआ, अब तुम ऐसी पंडितों की बात मत सुना करो, समझी? जैसे सोचा है वैसे ही सब होगा, तुम कोई वहम मत पालो। रूही आ गई, आओ बेटा बैठो। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ हम सबके लिए बहुत मुश्किल था, पर बेटा इससे जिंदगी तो नहीं रुक जाती ना। तू बस खुशी खुशी अपनी शादी करवा, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दे। देखना तेरी मम्मी तेरी शादी कितने अच्छे से कराती है। ये अब हल्दी की रस्म शुरू करते हैं, अभी मेहंदी लगनी भी बाकी है ना। शांतनु कहाँ है, है? तब से बुलाओ, दूल्हे राजा को सजाना है कि नहीं सजाना। शांतनु बेटा कहाँ हो? क्या हुआ? अरे इस घर में श्राप है, यही अनर्थ होता है उस घर में शादी करने से जहां पर किसी की मौत हुई हो, यहां कोई नहीं बचेगा। ए चलो। अरे रुको। अरे तो क्या हो गया भाई? डेकोरेशन हम लोग कर लेंगे। और अरे रूही बेटा बैठो, आप हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। भाभी जी बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए।
कुछ ही देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली। यही अनर्थ होता है उस घर में शादी करने से जहां पर किसी की मौत हुई हो। रूही क्या हुआ? शांतनु, हम जो ये कर रहे हैं ठीक तो कर रहे हैं ना? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरा तो पूरा इरादा है तुमसे शादी करने का। तुम्हारा मन बदल गया हो तो मजाक मत करो। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कहीं कहीं दादी माँ, मतलब ये घर वाकई में कहीं श्रापित तो नहीं है ना? कम ऑन यार रूही, तुम कब से इन बातों में विश्वास करने लग गई यार? शादी वाला घर है और इन चीजों पे किसका बस चलता है? शादी हो रही है तो होने दो। एक बात कहूं, तुम्हारी इस प्यार ने ही तो मुझे हिम्मत दी हमारी रिश्ते को शादी तक लाने की। कितनी प्यारी लगी, बिल्कुल परी जैसी। शांतनु, ये वो हवा से गिर गया होगा, मैं उठाता हूँ उसे। रूही प्लीज, बड़ा दिन है हमारा, बिल अब तैयार होके बाहर आ जाओ। ओके, दैट्स माय गर्ल। शांतनु, इतना सारा खून, रुको यहाँ पे आओ। एक मिनट, मैं भी आई। देख के नहीं चल सकते हो क्या? हेमंत। हाँ। पंडित जी अभी तक नहीं आए? भाई साहब, अपने गांव का पंडित बीमार है, मैंने रवि को भेजा है कि दूसरे पंडित को लेकर आए, वो आता ही होगा। बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। हाँ, रोहित की तबीयत खराब हो रही है। तुम एक काम करो, तुम फोन मिलाओ। लगा तो रहा हूँ। पापा, पंडित जी आ गए। अरे राम राम जी। राम 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 राम। बैठिए पंडित जी, स्थान ग्रहण कीजिए। आप दोनों हाथ में पुष्प रखिए और भगवान गणेश जी का ध्यान करिए। ओम गजाननम भूत गणाधिपे कपित जंबो फलचारु उमा सुतमसो के विनाश कारकम। श्री मनमा गणाधिपतये नमः। आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ओम सुमकस्य दंतस्य कपिलो वज्रकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। पहनाओ बेटा, पहनाओ, पहना दो, पहना दो। पहना दो बेटा। आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। ओम शरणागतिनार्थ परित्राण। ओम चंद्रमा मन जातो सूर्यो अजायतो। बेटा आप लोग भी आहुतियाँ कीजिए। ओम मग्नेश्वर। वर वधु का गठबंधन करवाइए। ओम शरणागतिनार्थ परित्राण। नारायण नमोस्तुते। बेटा आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा प्रावित्रवती महाशूर नदी ख्याता चया गंडकी। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, संभालिए, मैं पानी लेकर आया। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, आह, आह, अरे आह, पंडित जी, आह, आह, पंडित जी। तुम ठीक हो ना बेटा? कब से बोल रही हो आप लोग गुस्से में? कब से बोल रही हो कि कुछ सही नहीं, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। आप लोग देख नहीं रहे क्या कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं इस घर? मरते मरते बची कुछ तो है इस घर में जो मेरी शादी होने से रोक रहा है। आप लोग मेरी बात मान लीजिए अभी भी। ओफो, बेटे ये फेरे पूरे हो चुके हैं, अब शादी संपन्न हो चुकी है, तुम दोनों अब पति पत्नी हो। और मैडम कैसा लग रहा है शादी करके? कमाल है यार, आज से ही बात करना बंद। अब नहीं शांतनु, ऐसी बात नहीं, वो मेरे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं हम दोनों के लिए बहुत खुश हूं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रूही बस एक और दिन और फिर ये सारे रीति रिवाज करके हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और कुछ नहीं। बाकी जो कुछ भी होगा साथ देख लेंगे ना। मैं चेंज करके वॉशरूम से आती हूँ। जरा जल्दी आना, कहीं कोई भूत ना ले जाए मुझे। भूत? भूत ले जाएगा तुम्हें? अभी आई। रोही, ये लो पानी लो। रूही, बेटा रूही। जी बाप, आई। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग माँ, आइए ना।
नींद आ गई ठीक से? जी माँ, मैं ठीक सोई। और देखिए शांतनु अब तक सो रहे। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, कुलदेवी माँ के मंदिर जाना है। इस परिवार की परंपरा है, कभी तुम्हारे पापा मुझे लेकर गए थे, तुम्हारी बारी है। चलो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, शांतनु को भी बोलो हम लोग सब बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ? जी माँ। शांतनु उठो, हम लेट हो गए, मंदिर जाना है, जल्दी उठो। दीक्षा, हम लोग ये देवी माँ के आशीर्वाद ले लेंगे ना, देखना ये जो सब अपशगुन हो रहा है सब होना बंद हो जाएगा। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। माता रानी हम सबकी परेशानी एकदम दूर कर देंगे। डरो मत बेटी, क्योंकि बुरे काम करने वाले डरते हैं। सदा स्वागत रहिए, भगवान आपको खुश रखे। फोन लेके आता हूँ मैं अभी। ठीक है। शांतनु, आपको मेरा नाम कैसे पता? नाम में क्या रखा है बेटे, मुझे तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तुम्हारे शादी में बहुत विघ्न आ रहे थे, है ना? कोई तुम्हें बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहा है, दुर्भाग्य है, घोर दुर्भाग्य है। ये देखो, शांतनु क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, आओ चलते हैं। बेटा तुम जाओ, सो जाओ, आराम करो, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर सो। आप दवाई खा लीजिए। हाँ बेटा तुम जाओ। चलो। दीदी क्या बात है? दीदी आप क्या सोच रही हो? दीक्षा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कुलदेवी माँ हम सबकी रक्षा करेगी, आप उन पर विश्वास रखिए। कब तक विश्वास करूँ? इतनी सारी घटनाएं, ये कब तक अनदेखा करती रहूँ? कोई तो शक्ति है जो हमारा नाश करना चाहती, ये रूही भी तो कब से बोल रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दीदी आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं, ठीक है? कौन है? कौन है? कौन है उधर? कौन है?
भाभी जी माँ आगे खोलिए माँ भैया भाभी माँ भाभी माँ भाई साहब की हालत बहुत नाजुक है वो तो अच्छा हुआ कि हम टाइम पे उन्हें हॉस्पिटल लेके गए बेटा तुम्हें रोही का ध्यान रखना चाहिए संभालो इसको पहले दादी माँ माँ ऐसा लग रहा है शांतनु कोई मुझसे मेरी खुशियां छीना जा रहा समझ में नहीं आ रहा है क्या शांतनु तुम तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना मैं तुम्हें नहीं खो सकती तुम प्रॉमिस करो तुम कहीं नहीं जाओगे रूही आई एम सॉरी यार मैंने उस दिन तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया हम एक काम कर सकते हैं शांतनु हम बाबा को लेते और बहुत दूर चले जाते रूही चलो मेरे साथ चलो रूही तो चलो रूही रूही हम लोग अभी ये सब छोड़ के नहीं जा सकते ये सब डरावना जितना तुम्हारे लिए है उतना मेरे लिए भी है लेकिन इसका ये सॉल्यूशन नहीं है ना कि हम लोग ये सब छोड़ दें नहीं शांतनु नहीं तुम समझ नहीं रहे हो यहाँ पे कुछ भी मैं बचपन से अनाथ था मुझे कभी माँ और बाप का प्यार नहीं मिला लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे फैमिली मिल गई है ऐसे ही फैमिली की तरह हमें इस मुसीबत का सामना करना है क्यों इस मुसीबत में पड़ना चाह रहे हो तुम नहीं जानते हो ये बहुत खतरनाक है यहाँ पे कुछ भी मैंने कुछ छुपाया तुमसे तुम्हें याद है हम कुलदेवी के मंदिर गए थे पूजा के लिए मुझे वहाँ एक बूढ़े बाबा मिले थे बहुत अजीब से थे और उन्होंने मुझे माँ की मौत की एक झलक दिखाई थी मैं डर गया और मुझको समझ में नहीं आ रहा था और अब देखो ये सब सच हो गया पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम ऑलरेडी बहुत परेशान थे यार मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था हमें उस बूढ़े बाबा से मदद लेनी चाहिए उनके पास हमारे सवालों का जवाब होगा मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ बाबा मैं आपको ही ढूंढ रहा था मुझे पता था तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो हमारी मदद कीजिए बाबा हमारे घर पे किसी का कलश आया है और जब से मेरी और रूही की शादी हुई है तब से कोई ना कोई अनहोनी रोज हो रही है बाबा और उस दिन आपने जो मुझे रूही की माँ के मरने का दृश्य दिखाया बाबा वो भी सच हो गया प्लीज बाबा हमारी मदद कीजिए आइए बाबा
कुत्ता। शांतनु, ये इस घर में शैतानी शक्ति है और जिसे तुम दोनों के पीछे लगाया गया है, ये काम इसी घर के किसी सदस्य का है। क्या? एक मिनट, एक से ज्यादा साए हैं, दो आत्माएं, और यही दो आत्माएं ये सब कर रही हैं। इन आत्माओं की शांति जरूरी है। शांति हवन की विधि गलत तरीके से की गई थी और इसे जानबूझकर किया गया था। कोई तो है जो नहीं चाहता था कि दादी की आत्मा को शांति मिले, और इसी वजह से उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही है। अशांत आत्मा है उनकी। गुरुजी, उनकी आत्मा को शांति दिलवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तीन कार्य तुरंत करने होंगे। पहला, बुरी आत्मा को यहां से दूर भगाना, और दूसरा, दादी की आत्मा को शांति पहुंचाना, और तीसरा कार्य, हमें उस आदमी की पहचान करना है जो इस कार्य के पीछे है, क्योंकि वो इसी घर का सदस्य है। लेकिन बाबा, कोई अपना ऐसा क्यों करेगा? यही तो जानना है हमें। सब पता चल जाएगा। तो सारी पूजा विधि तुम्हारे हाथों से ही होगा। सब प्रार्थना करो कि दादी की अंतिम इच्छा सुखद रहे। अरे कोई अपशकुन नहीं हुआ, अब तुम ऐसी पंडितों की बात मत सुना करो, समझी? ये लो, ये माला अपने गले में पहन लो। अगर ध्यान रहे, इस माला को गले से उतारना नहीं, क्योंकि ये मालाएं तुम्हारी रक्षा करेंगी। और कल हम यहां हवन करेंगे, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन कल तक तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और याद रहे, ये माला तुम दोनों के गले से उतरनी नहीं चाहिए। बाकी बंधन क्रिया मैं शुरू करता हूं। रुही, क्या जरूरत है सब चीज करने की? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे सामने हो रहा है। अभी तक हमें कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन गुरुजी आए, उन्होंने हमें सब कुछ बताया। अरे वो कुछ भी अनाप शनाप कहानियां तुम्हें बताया जा रहा है और तुम उसके पीछे भागी चली जा रही हो? हाँ, विश्वास कीजिए, हम भरोसा कर सकते हैं उन पे। ये सब चीज से क्या मेरी माँ या तुम्हारी माँ वापस आने वाली है? सही कहा आपने, नहीं वापस आने वाले, लेकिन इस हवन से उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी, इसलिए ये हवन हमें करना ही होगा। अरे कर चुके हैं हम सब शांति हवन, हम वो सर्व विधियां सही तरीके से कर चुके हैं। तुम्हारे ये सब चीज करने से पता नहीं कोई एक नई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। देखो बेटा, मृत्यु विधियों में दखल अंदाजी ठीक नहीं है। मेरा कहा मानो, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। अभी तक आप ही की तो बात मानते आए, मगर आप पर भी और कितना विश्वास करें? कहना क्या चाहते थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा जो हॉस्पिटल में हैं, मैं उनको खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे, और इसके लिए मैं ये हवन करवा के रहूंगी।
रूही रूही क्या हुआ? ओके क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? की माला किधर? जो मैंने इसकी रक्षा के लिए दी थी। बाबा मैं लेके आता हूं। बेटा इधर आओ। ये तुम्हारा बेटा रवि नहीं है, रवि के रूप में तुम्हारी दादी मां की आत्मा है। तुम्हारी दादी मां तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये एक नेक आत्मा है। आत्मा शांति हवन को खराब करने वाला ये रवि ही था। मैं तुमसे नफरत करता था रूही, नफरत करता था। दादी मां ने ये सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, हम तो बेघर ही हो जाते ना। इसीलिए मैंने तुम्हें मारने का प्लान बनाया। तुम्हारे पूरे परिवार को मारने का प्लान मैंने बनाया। हवन सामग्री मैंने ही बदली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शांति हवन कभी भी पूरा हो सके। क्या? मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था रूही, लेकिन जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता था दादी मां की आत्मा तुम्हें बचा लेती थी। कितने नीच आदमी हो तुम, कितनी घिनौनी हरकत करी तुमने।
अरे तुम तो जानते भी नहीं थे कि ये घर मैं चाची और चाचा के नाम ही करने वाली थी। तुम्हारे ये लालच कम से कम मेरी माँ की जान नहीं लेता। ये एहसान फरामोश बचपन से ही दुष्ट था, इसे जीने का हक नहीं, इसने भाभी की जान ली है। मैं कहता मार डालो इसको। इसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और मेरी आत्मा की शांति के लिए एक हवन कराना होगा, फिर मुझे मुक्ति मिलेगी। दादी वो हवन हम जरूर करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा।